नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल किसान दर्शन पे। दोस्तों, आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं कटेवा की पैक्सोलॉन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैक्सोलॉन का उचित समय कब है धान में उपयोग करने के लिए, जो कि माहों के कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप मेरे ये पीछे देख रहे हैं धान की फसल, जो कि बहुत ही अच्छी स्टेज में है। ग्रोथ देखिए इसकी, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है। यदि इस पर माहों का अटैक हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इससे आपको मैं स्थिति दिखा दूँ धान की। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है कुछ बालियाँ यहाँ पर निकल ली गई है। अब देख सकते हैं 1-2% इसको हम बोल सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, ये जो अवस्था आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों गबाहट की अवस्था। देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि बालियाँ जस्ट निकलने वाली ही है। इस तरीक़े से आप देख सकते हैं सभी जो बालियाँ निकलने को यहाँ पर रेडी है। इसको बोलते हैं दोस्तों गबाहट की अवस्था। इस स्टेज में आपको जो पैक्सोलॉन है इसका उपयोग करना है। आखिर इसी स्टेज में इसका उपयोग क्यों करना है, तो इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों, पैक्सोलॉन का जो रिजल्ट है आपको 21 से 25 दिन तक देखने को मिलता है। यदि आप इसमें टाइमिंग के हम देखें, ये अभी गबोट की अवस्था में आई है, कुछ बालियाँ पे निकलना शुरू हो गई है। तो आप देखेंगे जैसे ही ये अभी देखेंगे, एक सप्ताह के अंदर ये जो धान की फसल है पूरी तरीके से बाली इसमें निकल जाएगी, कल इसमें फूट जाएंगे। उसके जैसे 15 दिन का आप टाइमिंग लेते हैं तो इसमें पूरा दूध भरने का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके 10 दिन के बाद ये धान लगभग कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। मतलब इस स्टेज से 1 महीने का जो स्टेज है, इस स्टेज में धान पूरी तरह से जो यहाँ पर कटाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक समय जो कि पैक्सोलॉन उपयोग करने के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था है, गबोट की अवस्था। यदि आप देखेंगे इस समय, यदि आपके खेतों में कहीं पर 1-2% 2-5 जो माहों की जो कीड़े हैं, BPH के जो कीड़े हैं, हॉपर कीड़े हैं, वो आपको दिखाई देते हैं, तो आप इसका उपयोग करें, आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। क्योंकि ये पैक्सोलॉन आपको दिखा दूं, ये दोस्तों ये पैक्सोलॉन जो एक ऐसा दवाई है जिसका उपयोग आप धान की फसल में सिर्फ एक बार करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट जो लंबा टाइम तक रहता है। इसका मैं टेक्निकल आपको यहाँ पर दिखा दूँ, इसका टेक्निकल आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो है एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक यहाँ पर लिखा है, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक तरीका का जो है इंसेक्टिसाइड है। विथ यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा है विथ पैराक्सॉल्ट। इसका मतलब आपको बता दूँ, विथ पैराक्सॉल्ट इसमें लिखा क्यों है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, यदि आप इसके स्प्रे धान की फसल में कर रहे हैं, उसके बाद स्प्रे करते हुए यदि ये आपका जो इंसेक्टिसाइड है वो जो धान के नीचे गिर जाते हैं पानी में गिरने के बाद, ये जो है जो धान की फसल है रूट से इसको अपटेक करके फसल में सीधा आपको ये इंसेक्टिसाइड पहुँच जाता है। ये कॉन्टैक्ट है, जैसे इसमें कीड़े कुछ आते हैं कॉन्टैक्ट में आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये सिस्टमेटिक भी है, अर्थात यदि ये पूरे छिड़काव के बाद पूरे धान की फसल सिस्टमेटिक रूप से पूरे धान की फसल सिस्टम में पहुंच जाता है और ये आपको रियल लंबे समय तक देता है। इसके डोज के बारे में भी हम बात करें, इसका डोज है 1 एकड़ में 94 ml प्रति एकड़ इसका डोज है दोस्तों। ये पैकिंग देख रहे हैं, ये 470 ml की जो पैकिंग है, जो कि आपको 5 एकड़ के लिए पर्याप्त है, जो कि 5 एकड़ में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे एक वेबसाइट है दोस्तों, जो कि kisandarshan.in के नाम से है, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नीचे आपको शो हो रहा है कि आप इसको वेबसाइट में जाकर खरीद सकते हैं, या इससे हम डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रही है। दोस्तों ये तो हो गया आज की वीडियो, इसमें पैक्सोलॉन के बारे में जाना, इसका सही समय उपयोग का। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल किसान दर्शन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।